Welcome to my class. In Excel, there are a number of logical functions. For example, we have if function, and function, or function, not function, ifs function, if na function, if error function, true function, false function, switch function. The last one is xor function. All these are logical functions. In this particular video, we will talk about if and and function, and this is example 2. आइएगा move करते हैं example 2 के ऊपर. इस case के अंदर हमारे को कुछ structure दिया गया है जिसके अंदर हमारे पास कुछ columns बने हुए हैं. First column serial number का है, second employee name, the third one is department and the fourth one is designation. यहाँ पर हमें दो conditions दी गई हैं. If department is finance and designation is manager, then the basic salary is rupees 50,000, otherwise rupees 30,000. It means agar to finance ka department hai aur wahan par designation manager diya gaya hai, to yahan par basic salary de do 50,000, otherwise basic salary de do 30,000. To yahan par hume do condition check karni hai. डिपार्टमेंट फाइनेंस होना चाहिए और डेजिग्नेशन मैनेजर होना चाहिए. जैसे ही दो कंडीशंस मीट अप होंगी, यहां पर बेसिक सैलरी 50,000 आ जानी चाहिए. मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को दो स्टेप्स के अंदर टेक अप करूंगा. सबसे पहले हम लेंगे एंड फंक्शन. एंड फंक्शन हमें यह बतलाएगा जहां पर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं वहां पर ट्रू आंसर देगा. जहां पर दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही या दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ये हमें फॉल्स देगा. तो आइए का शुरू करते हैं इस एंड फंक्शन के साथ. मैं ये ट्रू फॉल्स के नीचे वाले सेल के अंदर एंड फंक्शन को इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं. एंड C4 इज डबल कोट के अंदर फाइनेंस, डबल कोट बंद, कॉमा. D4 इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर मैनेजर, डबल कोट बंद, पेरेंथेसिस क्लोज. अगर तो ये दोनों चीजें फुलफिल होंगी तो एंड फंक्शन हमें ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स आंसर देगा. मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं. स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहां पर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं. डिपार्टमेंट भी फाइनेंस है और डेजिग्नेशन भी मैनेजर है, तो हमें ट्रू आंसर मिला. मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूं. इस केस के अंदर ना तो डिपार्टमेंट फाइनेंस है और ना ही डेजिग्नेशन ऑफिसर है, दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही. एंड फंक्शन तो यह कहता है कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी ट्रू आंसर आएगा, नहीं तो ये फॉल्स आंसर आएगा. अब मैं फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूं. लेट्स टेक अप दिस पर्टिकुलर केस. एंड C11 इज फाइनेंस, C11 is finance. This is true. D11 is manager. This is also true. यहां पर दोनों conditions true साबित हो रही हैं, तो and function हमें result देता है true का. अभी तक तो student हमने true और false के अंदर and function को implement किया. अब मैं basic salary को यहां पर implement करने जा रहा हूं. Basic salary को यहां पर implement करने के लिए मैं if function को use करूंगा. सो मैं बेसिक सैलरी के सेल के नीचे क्लिक करके इफ फंक्शन को टेक अप कर रहा हूं. इफ पेरेंथेसिस स्टार्ट, इसके अंदर अब मैं एंड फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट इंप्लीमेंट करूंगा. आप जानते हैं कि इफ फंक्शन के अंदर पहला आर्गुमेंट कंडीशन का है. मैं एंड फंक्शन को एज एन कंडीशन ही इसके अंदर प्रेजेंट कर दूंगा. एंड C4 इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर फाइनेंस, कॉमा. D4 इज इक्वल्स टू मैनेजर, डबल कोट के अंदर मैं मैनेजर दे रहा हूं. मैनेजर को डबल कोट के साथ मैंने क्लोज कर दिया. आई क्लोज द पेरेंथेसिस. इफ फंक्शन के अंदर एंड फंक्शन एक कंडीशन की तरह एज एन आर्गुमेंट प्रेजेंट किया गया है, कॉमा. अगर तो ये कंडीशन ट्रू साबित होती है तो ट्रू पार्ट को इंप्लीमेंट कर दो. ट्रू पार्ट के अंदर हम दे रहे हैं 50,000 रुपीज.
और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फॉल्स पार्ट के अंदर चले जाओ, और फॉल्स पार्ट के अंदर हम बेसिक सैलरी दे रहे हैं 30,000 रुपीज। आई क्लोज पेरेंथीसिस, आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशंस मीट अप हो रही हैं। डिपार्टमेंट फाइनेंस है, डेजिग्नेशन मैनेजर है, तो बेसिक सैलरी 50,000 है। जहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं वहाँ पर ये हमें 50,000 देगा, अदरवाइज ये हमें 30,000 देगा। मैं फिल हैंडल को पकड़ के इसको नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूँ। सबसे लास्ट पॉइंट को टेकअप करते हैं। इस केस के अंदर आप देखिएगा, हमारे पास C13 फाइनेंस है, पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। D13 यहाँ पर मैनेजर नहीं है, अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी तो ये फॉल्स पार्ट के अंदर चला जाएगा और फॉल्स पार्ट को इम्प्लीमेंट कर देगा। इट मीन्स कि यहाँ पर कंडीशन ट्रू साबित नहीं हुई। अगर कंडीशन ट्रू साबित होती तो ये 50,000 देता, अदरवाइज 30,000। इस केस के अंदर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हमें एक्सेल ने 30,000 रुपीज दे दिया। आई प्रेस एंटर। इन दोनों केसेस के अंदर जिन फार्मूलाज को मैंने यहाँ पर यूज किया है, मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो फार्मूला दे रहा हूं। आप नोट कीजिएगा, पहले वाले केस के अंदर तो हमने सिंपल एंड फंक्शन को इंप्लीमेंट किया जिसके अंदर हमें ट्रू फॉल्स में ही आंसर मिला, लेकिन सेकेंड फार्मूला के अंदर हमने इस एंड फंक्शन को इफ फंक्शन के अंदर एज एन कंडीशन आर्गुमेंट प्रेजेंट कर दिया। कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो, कंडीशन फॉल्स है तो सेकेंड पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो। इस तरह से स्टूडेंट हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दो पार्ट के अंदर स्प्लिट करके हमने बेसिक सैलरी को यहाँ पर डिराइव किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा क्वेश्चन आपको बहुत क्लैरिटी देगा। थैंक यू वेरी मच।